नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पीरपैंती विधानसभा के शेरमारी चौक पर अभी मैं हूं और यहां के कुछ लोग हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने हैं इनमें इनका क्या मुद्दा रहेगा और कैसे प्रत्याशियों को इस बार ये लोग चुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के। सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में यही मुद्दा रहेगा, यहाँ का जो है जो जनहित का जो समस्या है, यहाँ रोड नहीं है। यहाँ देखिए, आप भागलपुर से आए होंगे तो आपको आने में क्या कठिनाई हुई होगी स्वतः जो है आप पता कर लीजिए। जो है ये रोड नहीं है, बिजली नहीं रहती है, चारों तरफ जो है खम्भा ट्रांसफार्मर बॉल लगा दिया गया है और बिजली के नाम पर यहाँ बिजली जो है एकदम नगण्य रहती है, जो बिजली जो है गर्मी में लोगों को रुला रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये 30 बेड का यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है, उसमें मात्र 3-4 डॉक्टर हैं पोस्टेड जो है, कोई न दवा है न कोई वैक्सीन है न कोई समुचित बढ़िया इलाज हो रहा है। और वहाँ जो है माने एक तरह से कहिए ये रेफरल हॉस्पिटल फेलियर हॉस्पिटल हो गया है, खाली हॉस्पिटल के नाम पर खाना पूर्ति हो रहा है। और सबसे बड़ा जो समस्या है, अभी बाढ़ की समस्या आने वाली है, पूरे जो पीरपैंती विधानसभा हैं इसमें 13-14 पंचायत जो मुख्य होते हैं वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से होते हैं। उस बाढ़ में या माने ना रोड कहीं है, रोड भी है तो वो अगले बाढ़ का उखड़ा हुआ रोड है, अभी तक बना नहीं जो है। उसके बाद जो है वो जल जमाव होगा, पानी होगा, जो है आने जाने का कोई ना नौका है ना कोई व्यवस्था है, वह उधर का लोग मरेंगे। कोरोना काल में सरकार का यहाँ माने एक तरह से बुझिए सरकार फेलियर है। जो वर्तमान के जो विधायक हैं आपके, उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? अरे वर्तमान के जो विधायक हैं रामविलास जी जो है वह व्यवहार के अच्छे विधायक हैं, जो है कोई गलत नहीं है, लेकिन वह कार्यशैली क्या है? जो है कार्यशैली जब सरकार में वो नहीं है जो है, तो उनका कार्य जब सरकार ही जो है काम नहीं कर रही है तो विरोधी दल का विधायक क्या करेगा? जो है वो तो अपना जो अंड फंड है अपना लगा रहा है दबाव। हमारे सामने की बात है जे यहाँ जो है कृषि विभाग में एक राजनीतिक शर्मा जो है यहाँ जो है कोऑर्डिनेटर है, जो है जो कि अभी किसान का जो है उस सूखा का जो मुआवजा मिलने वाला था वो फसल क्षतिग्रस्त वाला, उसमें उसने 2-2, 3-3 हज़ार रुपया जो दिया उसका जो है वह पैसा भेजवाया और लोगों का कटवा दिया। जो वह जो है हम लोग कंप्लेन किए और रामविलास शर्मा और रामविलास पासवान जो है विधायक जो है वह ऊपर तक जो है वहाँ से फ़ोन किया, टेलीफोनिक फ़ोन किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो है मैं सरकार से आग्रह करूँगा, ऐसे सब भ्रष्ट पदाधिकारी यहाँ भरे हुए हैं और यहाँ जो है कोई नेता नाम का कोई चीज़ नहीं है, सब लोग अपने कमाने खाने के फेरा में पड़े हुए हैं, कोई किसी की सुधि लेने वाला नहीं है। जनता का कोई, अब चुनाव आ गया है सारे लोग टपक जाएंगे, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, फिर जो जीत के जाएंगे फिर वो घूर के नहीं आएंगे। सर, क्या लगता है इस बार जो है नीतीश कुमार का एक स्लोगन था, क्यों करें विचार ठीके है नीतीश कुमार, क्या हम लोग नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं है? हम लोग उनके विरुद्ध में हैं क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहे, तो उनके बारे में हम लोग क्या सोचे। अच्छा, आपका जो NH-80 है इसकी समस्या इस बार मुद्दा में शामिल है? NH-80 तो मुद्दा में है ही, और सबसे बड़ा समस्या है जल नल में इतना बड़ा घोटाला हुआ मुखिया के द्वारा, इतना घोटाला हुआ कि अभी तक कोई मतलब उसका एथिये नहीं हो रहा, कार्रवाई एक भी मुखिया पर नहीं हुआ, कहीं पानी नहीं लगा है, देख लीजिए वहाँ जितना भी जल नल का वो लगा है सबका नल खुल गया, कहीं कुछ नहीं है, सब घोटाला हो रहा। वर्तमान के आपके जो सांसद हैं अजय मंडल, अजय मंडल जी तो मान लीजिए वो जीते मोदी जी के नाम पर, लेकिन वो भी आ कहाँ रहे हैं? अभी कोरोना काल में क्षेत्र में दौड़ना चाहिए उनको भी, वो भी नहीं आ रहे हैं। जनता से कम पूछना चाहिए क्या है न है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर लोग नहीं रहता है। अभी आप चलिए हमारे साथ हॉस्पिटल में एक बार और देख लीजिए, डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल खोल के बैठे हुए हैं, जनता क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई सोचिए नहीं रहा है। सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी बढ़ी है, लोग आक्रांत हैं, अपनी अपनी रोजी रोटी के
लिए जो बाहर कमाने के लिए जाया करते थे, कोरोना काल में वो भी एक तरह से भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। और राज्य में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि इन मजदूरों को रोज़गार दिया जा सके। निश्चित रूप से भूख, बेरोजगारी, बढ़ती हुई अफसरशाही, निरंकुश अफसर और त्रस्त जनता, इस बार जनाक्रोश देखने को मिलेगा, ये ऐसा मेरा पूर्वानुमान है। तो ये जो है पीरपैंती लक्ष्मी देवी भी बोली जी, तो इस बार अपना जो है NH80 वाला मुद्दा जो है खास तौर पर ये शामिल है, यही शामिल है। भागलपुर जाने में 8-6 घंटा 7 घंटा लगता है, लोग पहुंच पाएगा कि नहीं भी कहना मुश्किल है भागलपुर। अब पहला काम है, दूसरा तो हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर का वहाँ कोई अथिये नहीं, ना इलाज हो रहा ना कुछ हो रहा, लोग अपने भगवान भरोसे जी रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए, अभी देखिए एक भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप खुद आए हुए हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आप अपने से इसका जांच कर लीजिए। क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार? इस बार सर मुद्दा यही है कि बिजली का बहुत व्यवस्था ख़राब है, बेरा होते हुए पढ़ने के टाइम पर बच्चों लोगों को बिजली अप डाउन करने लगता है, 12 बजे के बाद बिजली आती है, वही हाल होता है। हॉस्पिटल में एक पलस्तर का डॉक्टर चाहिए, पलस्तर करने वाला, उसको मायागंज भेज दिया जाता है। यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है, किसी का खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो जाता है तो सीधा मायागंज भेज दिया जाता है, उस टाइप का यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार या कीजिएगा विचार जी, ठीक है नीतीश कुमार या कीजिएगा विचार इस बार? नहीं, विचार नीतीश कुमार ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को बिजली, रोड और हॉस्पिटल चाहिए। 31 पंचायत का ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब बाढ़ आ रहा है, बाढ़ में अब कितना आदमी मुएगा ये कहना मुश्किल है। एक हमारे साथ और हैं, मैम क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र का, किसको कैसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, किस क्या सोच के साथ इस बार वोट करेंगे? देखिए यहाँ का व्यवस्था जो है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ जरूर है, मगर नीतीश बाबू से आग्रह है यहाँ का व्यवस्था सही सलामत रखें तो हम लोग वोट उनको देंगे। और इतने ही स्वास्थ्य कर्मी, आशा दीदी सब जो बहाल हुई हैं उनको मानदेय देने का घोषणा किए थे और अभी तक उनको मानदेय भी नहीं मिला है। तो हम लोग 85-86 हज़ार आशा दीदी हैं यहाँ पे, तो आशा दीदी का कहना है कि हम लोग को यदि मानदेय सरकार कर देते हैं निश्चित रूप से तो हम लोग उनको वोट निश्चित ही देंगे। और हॉस्पिटल में सरकारी लेडीज़ डॉक्टर नहीं है प्रसव कराने वाली, प्रसव की पीड़ा वाली महिला जो आती है हॉस्पिटल में उसको काफ़ी दिक्कत होता है और ए ग्रेड के भरोसे प्रसव होता है, और जो उनसे ज़्यादा होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। और रोड का भी व्यवस्था सही नहीं है, बिजली तो कभी सही समय पर हवे नहीं करता है। NH80 आपका हाँ खराब है, इन पे उनका ध्यान होना चाहिए और ये सब चीज़ को ठीक करें तो हम लोग उनके साथ 24 घंटा हैं। तो पीरपैती जो है, पीरपैती विधानसभा का ये शेरमारी चौक है और देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर बिजली की समस्या है, अस्पताल में बेड नहीं है और ख़ासकर NH80 जैसे मुद्दे जो हैं इस बार शामिल होंगे और ख़ासकर बरसात का सीज़न आ रहा है और बाढ़ की समस्या जो है बनी रहती है क्षेत्र में। तो यहाँ के जो लोग हैं, पीरपैती विधानसभा के शेरमारी के जो लोग थे, तो उनकी ये राय जो थी वो हम आप तक पहुँचाए। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।